जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी की एक डिमांड थी कि हम लोगों को प्रमोट तो कर दिया गया है, जो भी 10th 12th वाले थे प्रमोट तो कर दिया गया है, तो अब हमारी मार्कशीट किस आधार पर बन के आएगी। सिंपल सी बात, हमारी जो मार्कशीट बन के आएगी किस आधार पर बन के आएगी, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोगों को नंबर दिया जाएगा, क्या होगा आगे मार्कशीट में, क्या नंबर, क्या प्रमोट लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, क्या नहीं आएगा, इन सारे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज मैं यहाँ पे जवाब लेके आया हूँ। सिंपल, आप लोगों को समझना सिर्फ इतना है, 10th वालों के लिए ये 10th और ये 12th दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले मैं बात करूं 10th वालों के लिए, 10th वालों का डाटा यानी कि जो स्कूल द्वारा इस समय आपके अपलोड किया गया है, क्या 10th और 12th वालों का डाटा अपलोड किया गया है आपके स्कूल द्वारा, जिसमें 10th वालों से बोर्ड 10th वालों के लिए बोर्ड में जानते हैं 9th का फाइनल ईयर का नंबर, 9th का फाइनल ईयर का नंबर, उसके बाद में 10th का हाफ ईयरली, 10th का हाफ ईयरली का नंबर, ये फाइनल ईयर का, ये हाफ ईयरली का नंबर, उसके बाद में 10th के प्री बोर्ड का नंबर, 10th के प्री बोर्ड का नंबर आपसे ये बोर्ड वालों ने मांगा है। सिंपल सी बात, मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ जिसमें मैं एग्जैक्ट क्लियर यही चीजें मांगी गई हैं। 12th वालों के लिए 10th क्लास का नंबर, 10th का नंबर, उसके बाद में 11th का नंबर, उसके बाद में 12th का प्री बोर्ड, 12th का प्री बोर्ड ये मांगा गया है। तो आप लोग इसमें सिंपल सी बात को इतना समझिएगा कि जो इसमें एक को मान लीजिए, एक का मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से नंबर आएगा, उसी प्रकार से आप उसका समझ जाइएगा। मान लीजिए कि 9th, 10th और 12th का प्री बोर्ड, ये आप इतना नंबर वहां पे अपलोड कर दिया गया है, सिंपल सी बात, मतलब बोर्ड की साइट पर। अब किस आधार पर आपको नंबर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिया जाएगा, मान लीजिए मैथ का हम ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट का ले लें, उसी आधार पर सारे सब्जेक्ट के निकाले जाएंगे। मैथ का ले लीजिए, मान लीजिए मैथ में आपको आपके स्कूल द्वारा 9th में 75 नंबर दिया गया था, उसके बाद में 10th के हाफ ईयरली में आपको 80 नंबर दिया गया था। अब जब प्रमोट कर दिए गए तो विद्यालय वाले हो गए होशियार, इसलिए प्री बोर्ड में आपको ज्यादा नंबर, मान लीजिए 90 नंबर दे दिया गया। तीन प्रकार के आंकड़े आपके स्कूल द्वारा दिए गए। अब इस आधार पर बोर्ड आपको कितना नंबर देगा, ये समझने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात है। तो समझिएगा इस बात को, यहाँ पर समझना इतना है कि कभी कभी क्या होता है किसी स्कूल वालों में कि 9th 10th का प्री बोर्ड हाफ ईयरली कर देंगे, 50 नंबर में पूर्णांक कर देंगे तो उसी आधार पर 35 नंबर दिया जाएगा, ये सारी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन अभी इसको हम समझा देते हैं, अगर 75 नंबर दिया गया है, 75 नंबर, तो सिंपल सी बात इतना है कि 100 का पूर्णांक रहा होगा, 100 का आउट ऑफ 100, तो एक एक का परसेंटेज वहां पे कैलकुलेट होगा। अब तीनों का जब 100-100 है तो इसको हम 300 कर दे रहे हैं और इसको अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई अलग अलग परसेंटेज वहां पे बोर्ड में निकाला जाएगा। जैसे इसका निकाला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो ये 100 से 100 कटेगा, 75% है, ये 80% है, ये 90% है, यही तो है सिंपल। ये 75, 80%, 90% भाई 800 में से 80 नंबर कोई पाया तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80%, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80-90%, यही तो होगा। ये पहली बार 75% आपने, दूसरी बार 80%, तीसरी बार 90% आपने नंबर पाया। अब बोर्ड कितना नंबर देगा यह समझिएगा। तो अब इन तीनों को परसेंट निकालिए, तो 90 प्लस 80 प्लस 75 बटे 3, तो 9, 8, 17 और 17 और 7, भाई 5 पीछे पहले कर दीजिए और उसके बाद में 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24, 245/3। अब इसको आप काट दीजिए तो 3 और 8, 24 और यहाँ खत्म, 3 एकम 3 और यहाँ कितना 2 बचा ना, 3 सते 81.7, यानी कि आपको ये अगर 5 से ज्यादा है तो 82 नंबर, अगर ये 5 से कम है तो 81 नंबर मैथ में मिलने वाला है बोर्ड की तरफ से। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए अभी। इसी आधार पर कैलकुलेशन करके आपको सभी सब्जेक्ट्स में नंबर दिए जाएंगे। अगर ये 5 से ज्यादा है तो भाई 82 नंबर, अगर ये 5 से कम है तो आपको 81 नंबर दे दिया जाएगा। अब चल लेते हैं यहाँ पर 70 नंबर वाला पूर्णांक एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए साइंस हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, साइंस, तो 10th में साइंस में फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स, PHYSIC,
फिजिक्स ले रहे हैं। तो टेंथ में मान लीजिए 100 का पूर्णांक होता था तो आपको नंबर मिला मान लीजिए 80 नंबर आपको आउट ऑफ 100 मिला टेंथ में, है ना। अलेवेंथ में आपको स्कूल द्वारा देना रहता है तो मान लीजिए 85 मिल गया आउट ऑफ, लेकिन अलेवेंथ में 70 का पूर्णांक हो गया ना, अलेवेंथ में फिजिक्स में 70 का पूर्णांक हो गया तो 55 मान लीजिए आपको मिला आउट ऑफ 70। और ट्वेल्थ में आपको अब प्री बोर्ड में कितने नंबर अब स्कूल को देना था तो मान लीजिए 85 नंबर इन्होंने दे, 85 क्या 70 ही का पूर्णांक था, 70 तो पूर्णांक हुआ था तो ये मान लीजिए 60 दे दिए 70 में से ये दे दिए। अब परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर, तो ये तो अपना 80% अपना ही है भाई, 100 कट जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 0 0 गया काम से, ये आपका हो गया 550 बटे 7, 7 6 42, 7 8 56, 7 5 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 और 6 60, 7 8 56, 4 7 5 35, 78.5 यानी कि 78 के लिए एग्जेक्ट मान लीजिए इसको, या 79 मान लीजिए। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 गया काम से, वो आपका 600 बटा 7, 7 8 56 और 4 40, 7 5 35 और फिर 5, 7 7 49, इसको भी आप 85 एग्जैक्ट मान लीजिए। इतना आपका ये परसेंटेज में निकल के आ रहा है, ये अलग अलग का परसेंटेज आपका है। तो अब इसको तीनों को जोड़ लीजिए आप आपस में, 80 प्लस 78 प्लस 85 बटे 3, तो 8 5 13 के 3 हासिल आए 1 और 8 1 9 9 7 16, 16 4 24 बटे 3, 3 8 24, 3 1 9 3, आपको 81% नंबर मिलने वाले हैं फिजिक्स में। अब इसका 81% मतलब जानते हैं कितना हुआ, 70 का 81%, तो 81% 70 में 81% मतलब 70 टोटल नंबर है, तो 81% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70, नहीं, 81% ऑफ 70 इज इक्वल टू एक्स, कितना मिलना है ये नहीं पता है अभी, तो 81 बटे 100 मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 7, ये 0 0 गया काम से, ये आपका 7 1 7, 7 8 56, 56 बटे 10 यानी कि आपको 56 नंबर, 56.7, ये 7 है ना तो 57 नंबर फिजिक्स में आपको 57 नंबर मिलने वाले हैं। 81% नंबर आपको फिजिक्स में दिया जाएगा यानी कि 57 नंबर। कैलकुलेशन तो समझ में आ रही कि ये भी नहीं जानते हैं, मतलब प्रमोट हो गए तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो होगा ही, तो कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। सिंपल सी बात यह है कि एवरेज हर हाल में कैलकुलेट किया जाएगा, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एवरेज कैलकुलेट, ये तीनों जोड़ा जाए फिर ये तीनों डायरेक्ट, ऐसा नहीं है, इस प्रकार से एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया है। अब ये वहां कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, सब एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी में सब फार्मूला लगाते जाएंगे ऊपर वाले कॉलम में और नीचे सब डाटा फिल करते चले जाएंगे, झरझर सब कैलकुलेशन करता चला जाएगा, उनको कुछ नहीं करना है। तो ये चीजें होप करता हूँ कि आप सभी आराम से समझ चुके होंगे कि कैसा पूर्णांक होगा, कैसा नंबर होगा, कैसे मार्कशीट बनेगी, किस आधार पे नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। होप करता हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी के मन में सवाल ना रहे कि कैसे हमको नंबर दिया जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।